नमस्कार दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित दो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके, साथ में इस वीडियो को शेयर करना है और लाइक जरूर करना है और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। 12,460 शिक्षक भर्ती में दो और महत्वपूर्ण केस फाइल किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो केस है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि जिला वरीयता को रवि कुमार के नाम से तीन भर्ती यानी कि 15,000, 16,448 और 12,460 इन तीनों भर्तियों के माध्यम से भर्तियों को स्पेशल अपील के माध्यम से चैलेंज किया गया है। और ये जो चैलेंज किया है ये कम सीट यानी कि जिनके जिले में कम सीट आई थी, जब ये भर्ती जारी हुई थी तो जिनके जिले में कम सीट थी जैसे कि लखनऊ, कानपुर, ऐसे जिले वालों ने इन भर्तियों को चैलेंज किया है जिला वरीयता के नियम को। और ये जो केस है वो 18,507/2020 के यहाँ पर सीरियल नंबर पर ये स्पेशल अपील फाइल हुई है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं साफ तौर पर 18,507/2020, तो ये यहाँ पर केस फाइल हो गया है। अब रवि कुमार के नाम से ये केस फाइल हुआ है लेकिन इसकी जो फर्स्ट सुनवाई है उसकी अभी डेट निर्धारित नहीं यहाँ पर है स्टेटस में, जैसे ही, क्योंकि अभी अभी फाइल हुआ है एक दो दिन में, तो इसलिए ऐसा नहीं है। जैसे ही इसकी फाइनल डेट फाइल होगी कि किस दिन इसकी सुनवाई होगी तो हम एक बार आपको जरूर बताएंगे। साथ में ये भी बता दें कि वही जिला वरीयता का नियम है जिसे सीजे बेंच ने पूरी तरह से रद्द किया और सरकार के पक्ष में आदेश दिया था। तो कुल मिलाकर यहाँ से कुछ अच्छा निर्णय अभ्यर्थियों को नहीं देखने को मिलने वाला है और 12,000, 16,000, 15,000 ऐसी शिक्षक भर्तियों में इस आदेश से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो लेकिन ये केस 12,460 शिक्षक भर्ती से था, इसलिए आपके साथ ये जो अपील नंबर है वो शेयर कर दी गई है। अगला जो है वो है सुप्रीम कोर्ट में 12,460 की जो सुनवाई होनी है वहाँ पर 1 सितंबर यानी आज कुलदीप टीम के द्वारा यहाँ पर एक वकालतनामा साथ में इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन यानी आईए एप्लीकेशन फाइल कर दी गई है। इन्होंने एप्लीकेशन और वकालतनामा इसलिए फाइल किया है अपनी नौकरी को सेफ्टी के लिए, साथ में छह खा को पूरी तरह से रोकने के लिए और जिला वरीयता का जो नियम है जिस प्रकार से 14(1) उसे पूरी तरह से लागू रहने के लिए ये फाइल किया गया। यानी कुल मिलाकर इनके माध्यम से, इनके वकीलों के माध्यम से जीरो जनपद के जो अभ्यर्थी हैं उनका पूरी तरह से विरोध किया जाएगा साथ में, क्योंकि लगातार अन्य जो केस रहे हैं हाई कोर्ट में वहां पर भी ऐसा किया गया, तो इसलिए ये किया गया है। इसी तरह से आपको जो 51 जनपद के होम डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा भी इसी प्रकार से एक वकालतनामा और एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि सभी तरह से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं 12,460 में वो सब एकजुट होकर अपनी धीरे धीरे सभी एप्लीकेशंस फाइल करेंगे जैसे जैसे सुनवाई नज़दीक आएगी। चूंकि आज 18 सितंबर को सुनवाई होनी है और आज 1 सितंबर हो गया है तो 17 दिन रह गए हैं, समय नज़दीक आ रहा है, इस वजह से ऐसी फाइलें एप्लीकेशंस फाइल होने लगी है। कुल मिलाकर 12,460 के जो अभ्यर्थी हैं उनको अकेले अपनी इस लड़ाई को लड़ना है और बाकी सब एक तरफ रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात सत्य है कि 12,460 में अगर शून्य जनपद पूरी तरह से सुरक्षित रहता है सरकार के आदेशानुसार, तभी इस भर्ती प्रक्रिया की राह सही रहने वाली है, तभी इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सभी अभ्यर्थियों की नौकरी सेफ रहने वाली है और बचे हुए अभ्यर्थी चाहे वह किसी भी जनपद से हो, 0, 51 कुछ भी हो, उनको नौकरी मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगर किसी प्रकार का अन्य तरह का निर्णय आने पर बहुत सारा नुकसान सभी अभ्यर्थियों को देखने को मिल सकता है। आगे की जो अपडेट होगी आपको तुरंत चैनल के माध्यम से दी जाएगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करते रहें।